नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने अगर कोई बोट के साइट से ऑर्डर किया है, कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और ड्यू टू सिचुएशन आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बड़े ही आसान भाषा में। तो देखते रहिए इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कोई भी सर्च बार ओपन करना है। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बोट सपोर्ट, यहाँ पे आपको सर्च करना है, या मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है, ये सर्च करना है आपको बोट सपोर्ट। और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना है थोड़ा सा, और यहाँ आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट रिलेटेड FAQ, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा पेमेंट के नीचे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर रिलेटेड, इस पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको, तो यहाँ आपको फर्स्ट नंबर दिख रहा होगा हाउ कैन आई कैंसिल माई ऑर्डर, प्लस वाले आइकन पे इस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो तीन स्टेपों में यहाँ बताया गया है कि आप अपने ऑर्डर को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले आपने जो जब ऑर्डर आपने किया था, आपने जो प्रोडक्ट मंगाया था, तब आपने जो ईमेल और पासवर्ड डाला था, उस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जब आप वो आईडी क्रिएट कर लेंगे तो आपको यहाँ लेफ्ट में आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैनेज योर ऑर्डर यहाँ आपको दिखने लगेगा, मैनेज योर ऑर्डर, इस पर आपको आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने ऑर्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहाँ कैंसिल का ऑप्शन आने लगेगा, तो बड़े ही आसानी से आप उसको कैंसिल कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप ऑर्डर रिटर्न करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से, तो अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक यू।